आज हम बनाएंगे लहसुन और लाल मिर्च की सूखी चटनी, जिसे आप स्टोर करके 5 से 6 महीने तक रख सकते हैं। और आप इसे चावल दाल के साथ खा सकते हैं, या फिर परांठे के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसके लिए हमने लेनी है साबुत लाल मिर्ची और कुछ लहसुन की कलियाँ, मतलब लहसुन काफ़ी ज़्यादा लेना है। सरसों का तेल लेंगे, अच्छे से गर्म करेंगे। इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया भरकर, 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा, और कुछ काली मिर्च के दाने, और 3 से 4 चुटकी हींग डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे लहसुन। लहसुन को अच्छे से भून लेना है। जब लहसुन 2 से 3 मिनट तक पहले भून ले, 2 से 3 मिनट तक जब लहसुन भून जाए, तब इसमें उसके बाद लाल मिर्च डालिएगा। तो लाल मिर्च जब हम डाल देंगे तो उसको भी हमें 4 से 5 मिनट तक पकाना है इसमें। और ये जो प्रोसेस है, आप लो मीडियम फ्लेम पर कीजिएगा। और बस लाल मिर्च को भी अच्छे से हम पका लेंगे। और जब हमारी लाल मिर्च अच्छे से पक जाएगी, तब तक जो लहसुन है वो हल्का सा लाइट सा गोल्डन ब्राउन दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा। जब लाइट सा गोल्डन ब्राउन लहसुन हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, बहुत अच्छी खुशबू देता है। तो ये देखिए, हल्का सा लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है लहसुन। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक, अपने स्वाद के अनुसार डालिए। अमचूर डालेंगे खटाई के लिए, 1.5 बड़ा चम्मच। मिक्स कर देंगे अच्छे से, और इसे अब निकाल देंगे हम, क्योंकि ये हमने पका लिया है। मिर्च को भी हमने 4 से 5 मिनट तक पकाया है। बस इसे निकाल कर ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद हमने इसे मिक्सी में पीस लेना है। दरदरा सा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इसमें पानी वानी कुछ नहीं डालेगा, क्योंकि ये सूखी चटनी बना रहे हैं हम। बस कुछ देर इसे हवा में रखेंगे तो फिर बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। और बस इसे आप स्टोर करके 5 से 6 महीने तक रख सकते हैं, और जब भी चावल दाल खाएं उसके ऊपर डालकर इसे खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप बनाकर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए, बहुत जल्दी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।